सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। शहर के 5 इलाकों में शुमार नंदन वाटिका इन दिनों अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ी हुई है। सीवरेज पाइपलाइन मेन रोड से नंदन वाटिका होते हुए अगसन कॉलोनी मिलाई जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीवरेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए नंदन वाटिका निवासियों ने कई बार मामला प्रशासन के संज्ञान में लाया। भाजपा सिरसा के नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक ट्वीट भी किया गया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि नंदन वाटिका की समस्या का न तो सरकार कोई सूत ले रही है और न ही प्रशासन कोई उचित कार्रवाई कर रहा है। सर, अग्रसेन कॉलोनी में पानी भर जाता है, इस कारण 2 फुट की सीवरेज पाइपलाइन अग्रसेन पार्क के पास से मिला के मेन रोड से मिला के नंदन वाटिका से होते हुए अग्रसेन कॉलोनी में मिलानी थी। तो जब नंदन वाटिका तक पाइपलाइन आ गई तो उसके बाद यहाँ पर जो सड़क जाती है नंदन वाटिका से अग्रसेन कॉलोनी को, तो अग्रसेन कॉलोनी के बीच में जो सड़क जाती है उसमें जो कहते हैं कि जो वो रोड है उस पर प्लाट है 2 बंदों के, तो उन बंदों ने वहाँ पर स्टे ले लिया। लेकिन कहते हैं पुराना एक खाला होता था जो 11 फुट का है, तो 11 फुट की रोड तो वहाँ जाती है, तो उन्होंने स्टे ले लिया। उसके बाद इन्होंने कार्रवाई काम बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमारी गली के पास एक तो सीवरेज पाइपलाइन ना बंद हो गई थी तो ओवरफ्लो होने लग गया। उसके बाद मैंने ट्वीट किए कई, तो उस ट्वीट के बाद उन्होंने हमारी पाइपलाइन तो मिला दी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर गड्ढे रह गए, सड़क का नामो निशान नहीं है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, रात के टाइम तो बहुत हादसे हो रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर ट्वीट किया तो उन्होंने जो गड्ढा था एक गड्ढा भर दिया, लेकिन ना ही गली की कोई कार्रवाई हो रही ना कोई और। समस्या ये है कि आने जाने में और में बहुत दिक्कत है। सर, ट्वीट का क्या रिप्लाई आया प्रशासन की ओर से या अधिकारी की ओर से, बात करो तो ट्वीट का क्या रिप्लाई दिया गया आपकी ओर से? मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो सर, कभी आपने कोई लिखित में भी कोई शिकायत करने की कोशिश की हो, प्रशासन को कहा किया हो, या कोई आपका जो इस क्षेत्र का जो MC है उसको आपने कहा हो? MC से मैंने 2 बार बात की, उन्होंने कहा भी भैया मैं काम करवा रहा हूँ, तो उन्होंने 1-2 बार ये जो शायद उन्होंने ही करवाया हो जो ये पाइपलाइन जो हमारे वाले लाइन में ला दी गई और एक जो गड्ढा भराया गया। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे सर? भी जो भी ये मामला है इसको अगर अग्रसेन कॉलोनी वाला उन्होंने स्टे ले लिया तो उस मामले को रोक के हमारे वाली गली तो ठीक करवाई जाए, या फिर वो जो 11 फुट का जो रास्ता है उस रास्ते पे पाइपलाइन दबा के कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे रुका रहा तो ये तो 2-3 साल तक चलता रहेगा स्टे, तो ये तो केस चलता रहेगा।